तो गाइस रूप हियर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज अपन लोग अरे यार ये गाना बंद करो यार, बहुत बेकार लग रहा है। ओके तो गाइस आज अपन बनाने वाले अपना एक घर, उसको मत देखो वो ट्री हाउस है, अपना घर नहीं है। घर तो अपन आज बनाने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में वादा करा था। फिलहाल तो मैं नीचे होता था, पिछली बार थंबनेल लगाने के लिए ऊपर चढ़ा था, तो अभी अपन नीचे आ चुके हैं। और फिलहाल तो सबसे पहले जाके सोऊंगा, वरना ये ज़ॉम्बी जुम्बा परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफलाइन खेल रहा था, तब मैंने ये थोड़ा सा एरिया बनाया था पानी उठाने का, क्योंकि वैसे में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और जगह भी कम थी। और यहाँ पे ये क्या वाटरमेलन फार्म है, शायद वाटरमेलन बोलते हैं, हाँ वाटरमेलन फार्म ये बनाया था। बस भाई एक साथ में मैं कितना बोल लेता हूँ। तो गाइस सुबह हो चुकी है, सुबह के साथ एक MLG, अरे यार मैं भूल गया है, तो स्लैब से पानी नीचे टपक जाता है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा मस्त चीज दिखाने वाला हूँ, जो कि है डायमंड। ये देखो यहाँ लिखा डायमंड है, मैंने ही लिखा था जब मैं थोड़ी बहुत एक दो ब्लॉक माइन कर रहा था, तब ये डायमंड का ब्लॉक हो गया। और क्या बताऊं भाई, क्या मजा आया कसम से। तो पहले इसको माइन कर लेता हूँ, उसको पानी को सुखा के। और मेरे को आपको एक और चीज दिखानी थी कि कई लोग बोलेंगे कि मैंने लगाया है ब्लॉक क्रिएटिव से, लेकिन नहीं, देखो यहाँ वॉइड है। और ये जो ब्लॉक में खड़ा हूँ वो वन ब्लॉक वाला ब्लॉक है, ये देखो अभी मैं तोड़ के बताता हूँ पिकैक्स का है ये दी। तो देखना ये देखो वहाँ गोल्ड आ गया, तो डायमंड मिल गया, मजा आ गया भाई, पहला डायमंड है। तो इसको भी मैं तिजोरी अलमारी चेस्ट जो भी कह लो वो उसमें रख देता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे ख्याल से ये थंडरस्टॉर्म है, और यू कैन ओनली स्लीप ऑन थंडरस्टॉर्म लिखा हुआ था। और थंडरस्टॉर्म के बाद सुबह भी हो जाती है, हो जानी चाहिए थी और हो भी गई है, सुबह नहीं मतलब सूरज निकल जाता है। तो अभी फिलहाल थोड़ा खाना ठूस लेता हूँ। अब इस अलमारी चेस्ट को साइड में रख देता हूँ, क्योंकि चेस्ट को पैर नहीं लगाते हमारे मतलब समाज में। Much later. तो मैंने अभी इसको साइड में पटक दिया और इसमें सारा सामान ठूस दिया है। अब यहाँ से इसको तोड़ के आगे बढ़ाना चालू कर देता हूँ। पहले ऊपर लेंगे, फिर इसको आगे से गोल कर देंगे। आप लोग म्यूजिक एंजॉय करो। अब मैंने सोचा कि ज्यादा म्यूजिक आएगा तो फिर तुम म्यूजिक ही सुन लो, या मेरा वीडियो को देख रहे हो, मेरी आवाज को सुन रहे हो, म्यूजिक ही सुन लो, इसलिए मैंने म्यूजिक हटा दिया। तो इसके बाद मैंने थोड़े पंपकिन काट दिए और थोड़े बहुत पेड़ उजाड़ दिए। और उसके बाद मैंने सोचा कि अपने वीट फार्म पे इतना वीट क्या करेगा, एक दो वीट हटा के एक पेड़ ही उगा देता हूं। अगेन कंटिन्यू विद सम म्यूजिक। तो अभी मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ कि ये उग नहीं रहा, मेरे ख्याल से प्लैंक्स पे नहीं उगता, डर्ट पे उगता, क्योंकि वहाँ डर्ट थी और वहाँ उग गया। तो मैंने यहाँ पे डर्ट वेस्ट कर दिया। और अपना वेस्ट बनाने के लिए, अब मेरा मतलब अपना घर बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे थोड़े कॉबल स्टोन और ये प्लैंक्स जो भी बोलते हैं ब्रिंच सब लगा दिए जितने मेरे पास थे। यार मैं पांचवी या छठी बार गिर रहा हूँ मेरे वन ब्लॉक से, क्या करूंगा मैं। तो मेरी हिस्ट्री को देख के मैं मेरी किस्मत को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी किस्मत तो महंगी है, सस्ती नहीं, ओए मेरी किस्मत मेरे से बटा मस्ते नहीं। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करे, जो कि मैंने अभी तक कर दिया जिंदगी में, तो उस टाइम वेस्ट को और ना करके थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ, ताकि थोड़े ब्लॉक इकट्ठा हो जाए घर बनाने के लिए। सुपरमैन देते तो बात होती, लेकिन उन्होंने सुपर चेस्ट दिया, और सुपर चेस्ट के अंदर है डायमंड, गोल्ड की पिकैक्स, आर्मर और बीफ। एक और डायमंड आ चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि पार्टिकल्स और डायमंड के लग रहे थे। एक सेकंड देख लूं, आर्मर पहन लूं, हाँ दो डायमंड हो चुके हैं, वाह यार ये मस्त है। ओके तो यहाँ पे एक स्लाइम भी आ चुकी है, इसको भी मार देता हूँ। वैसे ये मारेगी नहीं मेरे ख्याल से, नॉक बैक देती है बस ये। एक सेकंड पास मार के एक बार हिट खाता हूँ इससे, मार। ओ भाई तो डेढ़ हार्ट ले रही है। या तो मेरा गेम लैग कर रहा है, या मेरा रिकॉर्डर की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे को ये स्लाइम स्लो मोशन में लग रही है। ये देखो रुक गई सब, वाह लेकिन डैमेज दे रही है फिर भी। ओ भाई ये क्या हो रहा है, मैं नॉर्मल हूँ और ये स्लाइम इतनी धीरे आ रही है। पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। यार मेरी उंगलियां दर्द कर गई माइनिंग करते करते। मेरे ख्याल से इतनी माइनिंग बहुत है घर बनाने के लिए। घर बनाने कोई महल थोड़ी बनाना है बड़ा सारा, छोटा सा घर बनाऊंगा। देखो मैं पहले कर रहा हूँ, फिर तुम बाद में ये मत बोलना कि घर बेकार है। टाइम पास करते करते रात भी हो गई, टाइम पास कितना करा मैंने जिंदगी में, 16 साल जिंदगी के यूं ही बर्बाद। तो अभी लगा देता हूँ पॉलिश्ड एंडीसाइट स्लैब, जो कि मेरे फेवरेट है। और बीच में मैं एक जगह छोड़ूंगा, उस जगह में मैं कुछ खतरनाक करूंगा, और उस खतरनाक के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे रेडस्टोन, नहीं मतलब रेडस्टोन का ब्लॉक लगाऊंगा। और ये बहुत ज्यादा तगड़ी लुक दे रहा है मेरे को, तो तुम्हारा पता नहीं। और मजबूरी में जो ब्लॉक मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी ये ग्रेनाइट वो भी लगाना पड़ता है, ग्रेनाइट डोराइट जो भी अच्छा नहीं लगता वो लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लॉक ही नहीं बचे भाई घर बनाने के लिए। इसलिए तो ये बीच बीच में ब्लॉक तोड़ तोड़ के ले रहा हूँ, वो भी आधे तो नीचे गिर रहे हैं। तो अभी मैं इसके यहाँ से सीढ़ियां ले जाता हूँ, तो कि थोड़ा अच्छा लुक देगी। अब अपन वो चीज लगाने वाले हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया लिटरली,
और पिछले वीडियो में मैंने कहा कि गोल्ड से रिलेटेड काम है अपना कहा था ना, तो ये गोल्ड ले लेंगे सबसे पहले और फिर इसके क्राफ्टिंग टेबल में रख के गोल्ड ब्लॉक बना लेंगे और फिर उस गोल्ड ब्लॉक को अपन रखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे इसको तोड़ के पहले तो क्यों रखेंगे वो भी बताता हूँ मैं, पहले लगा दूँ और ये 3-2-1 लगा दिया। मगर क्यों? एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे कोई भी मस्त सी चीज़ बनाते हैं बड़ी सी, तो उसके नीचे सोने की ईंट रखते हैं ना, तो यही है वो सोने की ईंट जो मैंने रखी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। तो अब थोड़ा और घर बना लेते हैं। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर हां भाई हां। कुछ जो अमीर लोग होते हैं ना वैसे कर लेते हैं, नॉर्मल दांतों के बीच में एक सोने का दांत लगा लेते हैं, ये एकदम वैसा लग रहा है सच में, क्या बताऊं। तो इन सब बातों को छोड़ो, फिलहाल मैं अभी थोड़ी वुड गार्ड लेता हूँ, थोड़े ज़ॉम्बी मार लेता हूँ, थोड़ा डैमेज खा लेता हूँ, थोड़ा नीचे उतर लेता हूँ, हॉस्टाइल मॉब को थोड़ा जलते हुए देख लेता हूँ, थोड़ी बहुत ब्रेड खा लेता हूँ और आज का लाइक गोल सेट कर लेता हूँ जो कि होगा पूरे 20 लाइक। कर दो यार तुम बहुत है। तो मैं सोच रहा हूँ जो साइड का एरिया है मैं इनसे बनाऊँ, क्या बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं, हाँ लॉक बोलते हैं, दोनों साइड का एरिया लॉक से भर दूंगा। नाउ थोड़ा म्यूजिक। ब्लॉक्स की कमी के चलते मेरे को यहाँ पे चेस्ट लगानी पड़ रही है, लिटरली कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, जो भी है वो रिपीटेड ब्लॉक है उनका क्या लगा। अगर मैं यहाँ चेस्ट नहीं लगाता तो ना ये अजीब लगती, ना लोग इस पे नोटिस करते, ना इसकी थोड़ी बहुत बात होती। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे गेट तो लगा दिया, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत खिड़की के लिए लगा देता हूँ, जो भी बोलते हैं इनको ट्रैप डोर बोलते हैं, ये चीज तो याद आ गई मेरे को। बस थोड़ा सा काम बाकी है, बस ये यहाँ पे लगाना हो गया। इतने बड़े पूरे घर में बस गोल्ड चमक रहा है, बाकी सारा घर कलरलेस लग रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में 3 घंटे लगे और इसको एडिट करने में बहुत सारा टाइम लगा सच में, और इसमें आवाज डालने में मेरे को 2 दिन लगे, मतलब 2 दिन 2-2 घंटे। देखो कितनी मेहनत करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, और तुम शेयर नहीं करते। एक बार इस वीडियो को शेयर करो, 10 लोगों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, एक को और उन 10 को बोलो और 10 के साथ करे, गरीब का बेचारे का भला हो जाए। और देखो घर के लिए तो तुम कुछ कहना मत, क्योंकि घर में चाहिए क्या होता है, एक बेड, एक चेस्ट, एक फर्नेस हो गया, अगर तो ज्यादा बड़ा घर बनाने की जरूरत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का?